नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का लेवलिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट के आधार तक पहुंचना संभव नहीं हो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट के दोनों इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे रखे हुए इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट एक्सिस समान हो। आज हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट के आधार तक पहुंचना संभव नहीं है और साथ में इंस्ट्रूमेंट एक्सिस भी समान नहीं हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही पिछली बार की तरह पी और आर दो ऐसे बिंदु ले लेंगे जहां पर हम इंस्ट्रूमेंट रखेंगे। यहां पर हमने इंस्ट्रूमेंट का सेटअप कर दिया। क्यू हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका आर एल हमें ज्ञात करना है। बी बेंचमार्क हमें दिया हुआ है। क्या करेंगे, पी से हमने स्टाफ रीडिंग ली है जिसको एस वन आया है और आर से हमने स्टाफ रीडिंग ली है जो हमारी एस टू आई है। यहां पर आप देखिएगा कि जो हमारा आर स्टेशन है वो पी स्टेशन से थोड़ी ऊंचाई पर है, तो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आर की ऊपर है और इंस्ट्रूमेंट एक्सिस पी की थोड़ा नीचे है। आर से ली गई स्टाफ रीडिंग हमारे पास एस टू आई है और पी से ली गई स्टाफ रीडिंग हमारे पास एस वन आई है। तो ये पहला केस है जब रखे हुए पीछे रखे हुए दूसरे रखे हुए आर पे रखे हुए इंस्ट्रूमेंट की स्टाफ रीडिंग ज्यादा हो पी पे रखे हुए स्टाफ की इंस्ट्रूमेंट की स्टाफ रीडिंग से, मतलब एस टू ज्यादा हो एस वन से। उस केस में क्या करेंगे, वही डी हमारे पास अननोन है, बी हमारे पास वो दूरी है जो हमने मेजर कर ली है। आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर दो एलिवेशन है। पहला एलिवेशन हमें पी बिंदु पी स्टेशन से मिला, ऑब्जेक्ट से लेकर पी स्टेशन के रखे पी स्टेशन की इंस्ट्रूमेंट एक्सिस तक के एलिवेशन को हमने एच नाम दे दिया और ऑब्जेक्ट से लेकर आर स्टेशन पे रखे हुए इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट एक्सिस तक के एलिवेशन को हमने एच टू नाम दे दिया। पहला केस है एस टू बड़ा होगा एस वन से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए क्यू सी वन, पहले स्टेशन पे हम काम कर रहे हैं। ए क्यू सी वन में ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा वन, एलिवेशन है एच वन, तो आप एच वन ज्ञात करेंगे। वही सिमिलर प्रोसेस, लंब बराबर आधार इंटू टेन थीटा, तो एच वन बराबर डी टेन अल्फा वन। त्रिभुज बी क्यू सी टू में हम करेंगे एच टू बराबर बी प्लस डी टेन अल्फा टू। अब स्टाफ रीडिंग को आप देखिए, हम क्या करेंगे, हमने मान लिया एस टू माइनस एस वन किया तो हमने माना कि ये हमारे पास एस है। S2 माइनस S1 मतलब दोनों इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट एक्सिस के बीच का डिफरेंस। दोनों इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट एक्सिस के बीच का डिफरेंस S है तो ये क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2। H1 माइनस H2 करोगे तो भी क्या आ जाएगा, हमारे पास दोनों इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट एक्सिस के बीच का डिफरेंस। हमने किया S2 माइनस S1 बराबर S, मतलब H1 माइनस H2 बराबर S। अब आप देखिएगा कि जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तो S2 और S1 को हम फील्ड पर स्टाफ की सहायता से मेजर करेंगे, मतलब S1 और S2 हमारे पास मेजर वैल्यू से नॉन वैल्यू से जिनमें से हम S2 माइनस S1 करेंगे तो जो S आएगा वो भी हमारे पास नॉन वैल्यू ही होगी। ठीक है, तो हमने किया S2 माइनस S1 बराबर S जो इक्वल होगा H1 माइनस H2 बराबर S, तो S हमारे पास आ गया H1 माइनस H2। आप क्या करेंगे, H1 और H2 की वैल्यूज हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। H1 H2 की वैल्यूज हमने यहाँ पर पुटअप कर दिए तो हमारे पास इक्वेशन आ गई S बराबर डी टेन अल्फा वन माइनस बी प्लस डी टेन अल्फा टू। इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई। D है आपकी ऑब्जेक्ट के आधार से लेकर स्टेशन P तक की दूरी। ठीक है, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई है, D बराबर हमारे पास आया S प्लस बी टेन अल्फा टू अपॉन टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू। ठीक है, तो यहाँ पर S B अल्फा वन अल्फा टू नॉन वैल्यू से, तो आप क्या करोगे, D हमारे पास पता है तो इस D की वैल्यू को हम H1 बराबर D टेन अल्फा वन या फिर H2 बराबर B प्लस टेन अल्फा टू में रखकर हम इनकी वैल्यूज को ज्ञात कर लेंगे। तो हमें ज्ञात करना था आर एल ऑफ क्यू। आर एल ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस एस वन प्लस एच वन, या फिर आर एल ऑफ क्यू बराबर आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस एस टू प्लस एच टू। ठीक है, ये पहला केस था जिसमें एस टू बड़ा था एस वन से। मान लिया जाए कि पीछे रखे हुए स्टेशन का जो स्टाफ रीडिंग है वो छोटा हो आगे रखे हुए स्टेशन के स्टाफ रीडिंग से, मतलब अब की बार एस टू लेस देन हो एस वन से।
यदि हम इसे करेंगे एस टू लेस देन होगा एस वन से, तो हम क्या करेंगे एस वन माइनस एस टू बराबर एस करेंगे, जो इक्वल होगा एच टू माइनस एच वन के। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास डी आ गया, डी आया एस माइनस बी टेन एल्फा टू अपॉन टेन एल्फा टू माइनस टेन एल्फा वन। पिछली बार आया था प्लस का साइन था एस प्लस बी टेन एल्फा टू, यहां पर आया माइनस का साइन एस माइनस बी टेन एल्फा टू, ये था टेन एल्फा वन माइनस टेन एल्फा टू, यहां पर हमारे पास आया टेन एल्फा टू माइनस टेन एल्फा वन। तो ये केस था जब हमारे पास होगा एस टू छोटा होगा एस वन से। सेम प्रोसेस आर एल ऑफ क्यू याद करने के लिए, आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस एस वन प्लस एच वन, या फिर आर एल ऑफ क्यू बराबर आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस एस टू प्लस एच टू। आज का सेशन अटेंड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।